सब एकदम शानदार लगे, यानी टाटा की गाड़ी भी बेस्ट है और ऑटो यूनिक वालों का काम भी बेस्ट है, ठीक है। और साथ में ये यूट्यूबर वाले भैया है ना, इनका व्यवहार एकदम बेस्ट है, जरूर करें। बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच। ये भी बहुत बढ़िया लगा ये इन्होंने। हाँ, ये निकलेगा नहीं, कितना भी इन्होंने कहा है कि ये निकल जाएगा लिया। क्या बात है, बढ़िया क्वालिटी लगाई। सोफा सेट का लुक दिया है, सोफा सेट का। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपके घर में सोफा होता है ना, सेम एज इट इज उसी कपड़े में इसको बनाया गया है, तो वह फील है सोफा वाला। बिल्कुल सोफा वाला फील आ रहा है। गाड़ी बिल्कुल एक नंबर BMW की जैसे तैयार करवाई है भैया ने, हमारे बड़े भैया जो आवाज जी है, ओके, जिनकी ये गाड़ी है। और ये भैया भी बहुत अच्छे जो वीडियो बना रहे हैं हमारे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अभी आप जो काम हुआ इससे सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हुआ है। जब तो हम जयपुर से यहाँ आए दिल्ली के अंदर काम करवाने, बिल्कुल ये करोल बाग में। अब ये पता नहीं कहाँ से लाकर इन्होंने लगवाई दी, लगाना तो मुश्किल था, लगाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए पूरा बम्पर खुलता है। सामने आपके हुआ है। हाँ। साथ में भैया का चैनल सब्सक्राइब करो, ये भी बहुत ओरिजिनल बात बोलते हैं, ये कोई बड़ा चढ़ा के है, ये भैया इनको कोई पैसे वैसे नहीं देते, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, बेस्ट है। मजा आ गया भैया, ऐसी प्राइस पे आप भी नहीं मानोगे, ये 70-80 हजार का काम है। इन्होंने मात्र मुझे भाई प्राइसिंग में डिस्क्लोज कर दिया, साफ बता रहा हूँ, ये 70-80 हजार का काम में कराया। अब कैसे कराया, क्या कराया, बहुत बढ़िया करा, मजा आ गया। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। सो अगेन मिश्रा ब्लॉग्स की एक और नई और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सामने की तरफ आप देख पाओगे पंच है, पंच का बेस मॉडल जो कि आप प्योर के नाम से जानते हो, प्योर का नाम है इसका बेसिकली, बेस मॉडल सब कहते हैं। तो इसके अंदर अगर आप चाहो तो रिदम पैक के साथ ले सकते हो, बट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन जो है आपका बेस मॉडल है जो कि बिल्कुल प्योर आता है। अब इसके अंदर भैया ने बहुत सारा काम कराया है, एज इट इज़ अगर आप यहाँ पर नंबर देखोगे ना तो RJ45 है, यानी कि भैया जो है जयपुर से आए हुए हैं, और जयपुर से दिल्ली का जो अराउंड अराउंड डिस्टेंस है, भैया से आपको पूछ करके बताऊंगा कितना किलोमीटर का जो डिस्टेंस है भैया ट्रैवल करके आए हुए हैं। सामने की तरफ है, मैं आपको मिलवाऊंगा भैया से। बट अब काम क्या क्या हुआ इस कार के अंदर, डिटेल में सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो फ्रंट की तरफ आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर जो पंच की बैजिंग होती है वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, बेसिकली अल्फ़ाबेट्स है, एक्रेलिक की शीट होती है उसको कट करके यहाँ पर शेप दिया गया है, और फिर इसकी फिटमेंट की गई है। यहाँ पे दो पार्ट आपको देखने मिलता है, एक ब्लैक का पार्ट आता है, एक आपका क्रोम का पार्ट आता है। अंदर हाइड्रोसोनिक का जो अपना क्रेटा वाला हॉर्न आता है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे जो है कुछ यूनिक सा हमने ट्राई किया, यहाँ पे आप देख पाओगे अंदर की तरफ यहाँ पे DRL का पार्ट है, तो DRL आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलती है, बट यहाँ पे पार्किंग में सिंगल लाइट आती है। एक बार महेंद्र भैया इसको ऑन करना, DRL को पार्किंग ऑन करना। सो यहाँ पे आप कुछ देख पाओगे ऐसी इसकी कुछ विजिबिलिटी निकल करके आई है। अब जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सिंपल सा एक बल्ब आता है अंदर की तरफ, बट यहाँ पे पूरा जो DRL आता है वो इसको इंस्टॉल किया गया। जनरली लोग यहाँ भी इंस्टॉल करते, इवन हम भी यहाँ पे पहले इंस्टॉल करते थे, बट भैया ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे इंस्टॉल करो अंदर की तरफ DRL, तो कि काफ़ी आपको टॉप मॉडल वाला एक तरीके का लुक प्रोवाइड कर देता है। तो भैया है राजस्थान से आए हुए, मैं भैया से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना नाम बता दीजिए भैया। जय श्री श्याम भैया। पुनीत शर्मा है मेरा नाम और जयपुर से हूँ मैं। ठीक है भैया, पुनीत भैया है। लग रही थी सबके यहाँ पे, बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसके अंदर ही घुसा दी इसको। हाँ, वो अंदर से कर दी, टॉप मॉडल का लुक आ गया, बिल्कुल, किसी को पता भी नहीं लग रहा दूर से, तो सच में पता नहीं लगेगा कि आपको कि मतलब ये आफ्टर मार्केट कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसको इंडिकेटर के साथ भी रखा गया, तो अब दो पार्ट हो गया इंडिकेटर का, एक यहाँ पे भी हो गया, एक यहाँ पे भी हो गया, तो जो एक कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा निकल करके आया है। तो ऑल थैंक्स टू भैया। जयपुर के अंदर लोगों को इंडिकेटर जल्दी से दिखता नहीं, अब इसमें जल्दी से दिखेगा, बिल्कुल, अब वाइड हो गया थोड़ा सा। तो ऑल थैंक्स टू भैया कि भैया ने यहाँ पे कुछ जो है अपना एक यूनिक सा चॉइस बताया जिसके साथ हम यहाँ पे गए, और जो रिजल्ट है फाइनली काफी अच्छा निकल करके आया है। इवन अगर आप यहाँ पे दूर से देखोगे ना तो टॉप मॉडल से भी अच्छा लुक इसका निकल करके आया है। टॉप मॉडल में आपको इंडिकेटर का ऑप्शन नहीं मिलता, सिंपली आप पार्किंग पे जब करोगे ना तो व्हाइट कलर का DRL आपका प्ले होगा, बट यहाँ पे क्या है एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा निकल करके आया है। तो बहुत सारा काम है इस कार के अंदर जो कि भैया ने फाइनली कंप्लीट किया है, मैं आपको डिटेल में सभी चीज़ों पर बात करूंगा, सभी चीज़ बताने वाला हूं। सो भाई ये हमारी पंच फैमिली जो कि भैया जयपुर से आए हुए हैं, भैया से मैंने आपको ऑलरेडी मिला दिया है, तो हमारे साथ है बड़े क्यूट से बाबू हैं, अपना एक बार नाम बता दो अपनी ऑडियंस का। भैया अपना नाम बता दीजिए। आकाश शर्मा। आकाश भैया का नाम है? मेरा गोपाल पंडित। गोपाल पंडित भैया, मतलब एक शर्मा फैमिली है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी फैमिली है, हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा भैया, मैं भी मिश्रा हूँ। चलो
तो भैया ने फाइनली काफी अच्छी गाड़ी ली है, बेस मॉडल लेकर के बहुत अच्छा यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन का एक पार्ट करवाया। अब और चीजें आपको बताऊं भैया, हेडलाइट में एलईडी लगवाया आपने? हेडलाइट हैलोजन, अभी कोहरा हो रहा है उसमें हाँ। हमें हैलोजन ही चाहिए बिल्कुल। मैं आपको लाइट लगाई है एलईडी 75 वाट। ओके चलो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसका भी ना, आप देखिए सामने बिल्कुल भाई। अभी रोड पे हैलोजन की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, अभी ना विजिबिलिटी, अभी जो डे टाइम है फिर भी आपको विजिबिलिटी आप जो है आप चेकआउट कर पाओगे, बट यहाँ पे जो है भैया ने हैलोजन से ही रखा हुआ है। पीछे की तरफ आप यहाँ पे देख पाओगे जो फॉग लाइट है उसके अंदर एलईडी इंस्टॉल की गई है 75 वॉट की भैया, बिल्कुल फिलिप्स की 75 वॉट की इसके अंदर एलईडी इंस्टॉल की गई है। हेडलाइट में भैया ने यहाँ पे कुछ भी अपग्रेड नहीं किया क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो फॉग काफ़ी रहता है, तो आपको हैलोजन पे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। DRL का पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया है, पंच की बैजिंग ऑलरेडी दिखा दी है। इसमें बहुत काम होगा, अभी यहाँ पे भी गोल्डन पट्टी लगेगी वो सिल्वर वाली। अच्छा यहाँ सिल्वर पट्टी लगेगी और ऊपर लग गए, इसके अलावा अभी इसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम वगैरह सब एकदम शानदार लगे, यानी टाटा की गाड़ी भी बेस्ट है और ऑटो यूनिक वालों का काम भी बेस्ट है, ठीक है। और साथ में ये यूट्यूबर वाले भैया है ना, इनका व्यवहार एकदम बेस्ट है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया से एंड में सब्सक्राइब जरूर करें बिल्कुल भैया थैंक यू सो मच अगेन। और ये कुछ बेस मॉडल अपनी गाड़ी है, आप देख पाओगे, मैं एक बार दरवाज़ा बंद करता हूँ और ऐसी कुछ आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाती है साइड से। अभी नाइट टाइम हो गया भाई, पता नहीं विजिबिलिटी कैसी आ रही होगी आपको, बट यहाँ पे अपन लोग जो है व्हील कैप भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जो ORVM का पार्ट देखोगे एज इट इज़ रखने वाले भैया ने, इसको जो है रैप नहीं कराया है। डोर हैंडल भी आपको जो बेस मॉडल में ब्लैक ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे साइड बीडिंग भैया ने जो है वो क्रोम वाली इंस्टॉल कराई है, तो ये भी काफ़ी प्रीमियम आपको जो है फील देने वाला है। और पहले एक बार एक्सटीरियर से अपन लोग सभी चीज़ें बात करते हैं, फिर आपको इंटीरियर में भी मैं डिटेल में सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि बेस मॉडल अपना और बेस मॉडल में सारी चीज़ आपको डिटेल में दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। 4 पंच का जो अपना रेन वाइजर है वो इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, ओरिजिनल फिटमेंट के साथ जो यहाँ पे रूफ रेल आते हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। अब मैं यहाँ पे इसको पकड़ के शेक करूँगा ना तो पूरी गाड़ी शेक हो रही है, आप यहाँ पे देख पाओगे, बट जो रूफ रेल है वो कहीं पे भी जाएगा नहीं। सेम एज इट इज़ फॉर आईपॉप भी यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया गया है। ये जो बुलगार्ड है तो बुलगार्ड हमारे भैया इंस्टॉल कर रहे हैं। भैया को आपने जो XUV वाली वीडियो में देखा होगा साइड फुट स्टेप काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराइए चलो भाई, भैया की स्माइल और भैया काफ़ी सही तरीके से इसको फिट कर रहे हैं। चलो तो पहले इसको फिट करने देते हैं फिर आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। और मड फ्लैप भी लगवाया भैया आपने? से बिल्कुल मड फ्लैप लगे हैं इसके अंदर। ओके यहाँ पे आप भाई टाटा के बिल्कुल ओरिजिनल टाटा के मड फ्लैप भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं और व्हील कैप भी अपन लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। व्हील कैप ये क्रोम लगवाई है, ये साइड बीडिंग ठीक है लगे हैं, ये लगे हैं ठीक है, और अभी क्रोम का सेट बाकी है। ये भी बहुत बढ़िया लगाई है इन्होंने। हाँ ये निकलेगा नहीं, कितना भी इन्होंने कहा है कि निकल जाएगा क्या बात है, बढ़िया क्वालिटी लगाई। चलो तो भाई इंटीरियर में आने से सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे डैम्पिंग का पार्ट, क्योंकि अपने जो दरवाज़ा है जो गत्ते हैं वो अभी ओपन हो रखे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा डैम्पिंग जो कि सिंगल लेयर की डैम्पिंग की गई इसमें CTK की, और काफ़ी अच्छी डैम्पिंग होती है इसकी। आप चाहो तो अपनी कार के अंदर करवा सकते हो। पैरामेट है, जिमर की आती है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे, आपको जो सूटेबल हो अपनी कार के अंदर उसको ईजिली इंस्टॉल करा सकते हो। और यहाँ पे जो अपना एम्बिएंट लाइट है वो भी इंस्टॉल किया गया, डैशबोर्ड वाला आप यहाँ पे देख पाओगे इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। इसकी जो क्वालिटी कैसी निकल करके आई है मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। पीछे की तरफ अपने कोएक्सियल स्पीकर लगे हैं, फ्रंट की तरफ अपने कंपोनेंट इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो मेगासोनिक का जो इसके अंदर 9 इंच का एंड्रॉइड इंस्टॉल हुआ है, 2GB 16GB इसका कॉन्फ़िगरेशन है, 2GB 16GB आता है। यहाँ पे आपको कोई भी वॉल्यूम नॉब्स आपको देखने को नहीं मिलते क्योंकि अपना बेस मॉडल है। अगर बेस रिदम लेते हो तो या फिर एडवेंचर लेते हो तो उसके अंदर आपको यहाँ पे नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। और ये कुछ अपनी ओवरऑल प्रोफाइल है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल करा सकते हो, काफ़ी सही तरीके से उसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। और यहाँ पे जो भैया ने सीट कवर काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे चूज़ किए हैं, बनवाया था भैया आपने यहाँ पे? बिल्कुल ये देखो आप, फाड़ के दिखाते हैं। अरे क्या बात है, भैया ने फाड़ ही दिया पूरा, बहुत शानदार वेलवेट का है ये। बिल्कुल आप यहाँ पे जो क्वालिटी है जस्टिफाई कर पाओगे, वेलवेट का कपड़ा है काफी सही। अच्छा भैया आपने इसको अभी बनवाया है फिर पहले से लगी हुई है? ये इनके पास रेडीमेड ही मिला है मुझे। ओके रेडीमेड मिला हुआ था, तो भाई आपके अकॉर्डिंग आप अपनी सीट को भी यहाँ पे डिजाइन करा सकते हो। जैसा कि यहाँ पे भैया ने ये वाला कलर ऑप्शन चूज किया है, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ब्लैक के साथ जाओ, रेड के साथ जाओ, जो भी आपको पसंद हो आप इजीली चूज करके अपनी कार के अंदर सीट कवर इंस्टॉल करा सकते हो। तो काफ़ी सही तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन हो गई, इवन फिटमेंट काफ़ी अच्छी निकल करके आई है। मैं आपको एंड में डिटेल में दिखा दूंगा सभी चीज़। यहाँ पे जो हेडरेस्ट में भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है, पीछे की जो सीट की फिटमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई है। तो यहाँ पे बहुत सारा भी काम हो रहा है, काफ़ी सही चीज़ है जो कि पार्ट आपको अकम्प्लिश में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भैया ने बेस मॉडल में इसको इंस्टॉल करवाया, आपको यहाँ पे कैमरा जो है जस्टिफाई कर पाएगा।
पहले जो आपको ग्लॉसी ब्लैक का पार्ट देखने मिलता है ये कुछ इस टाइप का है भाई। इसके अंदर बड़े सारे लॉक है जिसको खोलने में हमारे भाइयों की ना मशक्कत हो गई काफ़ी सारी। एक्सरसाइज कर लिया आपने, जिम यहीं पर स्टार्ट कराऊँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिम पहले ही हो गए इसको खोलने के लिए। हाँ ये बम्पर पूरा उतरा इसका, फिर ये इंस्टॉल। ओके भाई, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको इंस्टॉल करने में, और जहाँ पे महेंद्र भैया भी है प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। अगर आप चाहो तो बेस मॉडल में चीज़ इंस्टॉल करा सकते हो। अब पार्ट कौन सा था? तो भाई टाटा का जेन्युइन पार्ट था, आप यहाँ पे देख पाओगे टाटा मोटर्स ओरिजिनल पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओरिजिनल टाटा का पार्ट था जो कि आपको फ्रंट बम्पर क्रोम देखने को मिलता है। तो ये पूरा पार्ट आता है, ये सेंटर पार्ट है, और ये अपना जो DRL के ऊपर इंस्टॉल होता है। तो पहले एक बार फिटिंग हो जाए उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में दिखा दूंगा। ऑलमोस्ट अपनी कार हो चुकी है कंप्लीट, एक बार पहले पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए, पहले चेक कर ले अच्छे से, उसके बाद आपको जो है डिटेल वीडियो बना करके देने वाला हूँ, और भैया से फिर एंड में मिलेंगे। सो भाई फाइनली अपनी टाटा पंच बेस मॉडल विदाउट एनी रिदम पैक जो अपनी गाड़ी आई थी, तो बेसिकली भैया जयपुर से आए हुए थे अपना काम कराने के लिए। जैसा कि आप देख पाओगे RG45 है, तो जयपुर से भी आए हुए थे काम कराने के लिए। फाइनली जो काम है वो डन हो चुका है सारा काम, मतलब बेस टू बेस से टॉप कहीं ना कहीं भैया ने इसको बनवाया है, टॉप नहीं कहूँगा बट अकम्प्लिश्ड कहीं ना कहीं ये हो चुकी, क्योंकि भाई सही चीज़ बताना मेरा काम है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर काम क्या क्या हुआ अगर आपको फ्रंट से बताता हुआ चलूँ ना, एक बार पहले ओवरऑल प्रोफाइल दिखा देता हूँ फिर चलेंगे अंदर, और एंड में जो है ऑनर का भी रिव्यू लेने वाले। तो फ्रंट की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले ये DRL का पार्ट है जो कि यहाँ पे बेस मॉडल में आपको सिंपली एक बल्ब देखने को मिलता है, पार्किंग बल्ब यहाँ पे होता है इसके अंदर DRL के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया भैया ने, कुछ यूनिक सा भैया का ये एक आइडिया था, तो इसका जो क्रेडिट है सारा जो है भैया को जाएगा, क्योंकि भैया का ये एक आइडिया था कि इसके अंदर जो DRL है उसको इंस्टॉल करो और काफ़ी अच्छा लुक आने वाला। तो सच में जो हमने ऐसा किया ना तो काफ़ी अच्छा इसका लुक आया है। तो फाइनली इसके अंदर जो ये पार्ट आप देखोगे पूरा DRL का है, और ये है बेस मॉडल का अपना, इसको बंद करना। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसके अंदर जो है आपको बल्ब देखने को मिलेंगे छोटे छोटे से DRL। तो ये बेस मॉडल में ये चीज़ इंस्टॉल हुई है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सही लग रही है। अगर कई भाई को यहाँ पे कराना है तो ये भी करा सकते हो, या फिर जिनको चेंज कराना हो तो आप चेंज भी करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेंटर की तरफ बात करो तो यहाँ पे पंच की जो अपनी बैजिंग होती है वो इंस्टॉल हुई थी, मैंने इसके बारे में आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है। उसके नीचे की तरफ बात करो तो ये भी काफ़ी एक अच्छा पार्ट है जो इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है बेस मॉडल में। जैसा कि अभी क्रोम का पार्ट है तो ये कंप्लीशन आपको देखने मिलता है, बट यहाँ पे क्या किया भैया ने बेस मॉडल में इसको इंस्टॉल कराया है। यहाँ पे हेडलाइट का जो क्रोम आता है वो भी इंस्टॉल हुआ है, फॉग लाइट का क्रोम भी यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, और फॉग लाइट में यहाँ पे LED लगाई गई है। ये फॉग लाइट ऑन करना है क्रोम भाई, तो यहाँ पे जो फॉग लाइट है उसकी आप रिजल्ट देख पाओगे रात के समय में, तो काफ़ी सही विजिबिलिटी इसकी भी आपको देखने मिल जाती है। 75 वॉट की है। एक बार हॉर्न बजाना, ठीक है? तो हॉर्न जैसा कि आप चेकआउट कर पाओगे तो इसके अंदर जो क्रेटा वाले हाइड्रोसोनिक के अपने हॉर्न आते हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। उसके बाद चलते हैं साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले जो अपने पिलर आते हैं तो पिलर यहाँ पे रैप किए गए हैं जैसा कि आप देख पाओगे। ड्यूअल टोन का कहीं ना कहीं एक लुक देने के लिए भैया ने किया है, बट यहाँ पे जो रूफ है रूफ को भैया ने ब्लैक नहीं कराया, सिर्फ अपने पिलर जो है मैट कलर में यहाँ पे रैप करवाए हैं। उसके बाद यहाँ पे लोअर विंडो गार्निश भी इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। 4 पंच के यहाँ पे जो रेन वाइजर आते हैं वो भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। यहाँ पे जो बॉडी किट बताया था मैंने क्रोम का वो भी इंस्टॉल हुआ है, तो एज इट इज़ यहाँ पे जो है अपना हैंडल के ऊपर, क्योंकि अपना जो हैंडल है वो बॉडी कलर देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे उसको हाइड करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। तो काफ़ी सही पार्ट है, आप चाहो तो बेस मॉडल में इसको इंस्टॉल करा सकते हो, या फिर आप इसको रैप करा सकते हो, या फिर इसको पेंट करा सकते हो, ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। एज इट इज़ यहाँ पे आप देख पाओगे जो अपने डोर गार्ड है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। साइड बिटिंग में आपको जो है क्रोम का पार्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे प्रीगन के जो व्हील कैप आते हैं तो प्रीगन के व्हील कैप इसके अंदर इंस्टॉल किए गए। उसके बाद यहाँ पे इसको प्रॉपर टाइबल से हुक कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख पाओगे दो टाइबल्ट अपने चारों व्हील्स के अंदर लगे हैं, जिससे कि आपका कहीं जाएगा नहीं, इवन अगर अनइवन सरफेस में अगर आपकी गाड़ी चलती है तो भी आपका कहीं निकलेगा नहीं। साइड प्रोफाइल से इसकी जो प्रोफाइल है आप चेकआउट कर पाओगे, जो व्हील कैप है काफ़ी सही लग रही है गाड़ी के साथ। ओरिजिनल टाइप के जो अपने रूफ रेल आते हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं, अब ये मैट फिनिश में अपना रहने वाला है। सो भाई यहाँ पे देखोगे पीछे के जब जो टेल लैंप होता है तो टेल लैंप का क्रोम भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। इवन यहाँ पे जो रियर अपना डोर होता है रियर का डोर का भी जो क्रोम आता है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। और इधर की तरफ देखोगे ना तो काफ़ी एक अच्छा लुक भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल है, सिंपल सा एक बल्ब का ऑप्शन देखने को मिलता है, अकम्प्लिश के अंदर आपको यहाँ पे DRL का पार्ट देखने को मिल जाता है। बाकी रियर की तरफ यहाँ पे आप देख पाओगे जो अपना बम्पर होता है तो बम्पर गार्ड भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। अब यहाँ पे इसको बहुत लोग बम्पर गार्ड के नाम से जानते हैं, बहुत लोग इसको बुल गार्ड के नाम से जानते हैं, तो अलग अलग नाम से भाई हमारे भाई इसको जानते हैं। तो ये भी इसके अंदर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, सेफ्टी पर्पज से काफ़ी सही है, आपकी गाड़ी में अनइवन जो स्क्रैचेज है वो नहीं लगेंगे, और पीछे से कोई आपका इजीली मार के जाएगा नहीं। एक बार आप पूरी प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कर पाओगे। टाटा पंच बेस मॉडल थी और बेस से कहीं ना कहीं भैया ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर दिया। अब अपन लोग चलते हैं इंटीरियर में, आपको इंटीरियर से सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि काम कैसा हुआ है और फाइनली क्या हुआ है।
सो भाई इंटीरियर में आप देख पाओगे यहाँ पे एम्बियंट लाइट का जो प्रोसेस है काफ़ी सही लग रहा है। आई होप आपको कैमरा भी यहाँ पे जस्टिफाई करके दे रहा हो, काफ़ी सही सी क्वालिटी निकल करके आई है। इवन अपने चारों दरवाजे और जो डैशबोर्ड का पार्ट है काफ़ी आपको एक अच्छा लुक यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब सिंपली इसके अंदर व्हाइट कलर का अपना डैशबोर्ड है, पूरा व्हाइट दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी सही लग रहा है। और उसके साथ यहाँ पे जो आपको ऐप कंट्रोल वाला जो एम्बियंट लाइट है वो इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, तो आप सिंपली अपने ऐप के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसके लाइटिंग को चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंदर सिंगल लेयर की डैम्पिंग हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल हुई आरडी की, यहाँ पे आप इसी की भी देख पाओगे। फ्लिप की वाली जो सेंट्रल लॉकिंग होती है वो इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। फ्रंट की तरफ अपने कंपोनेंट इंस्टॉल हुए थे और रियर की तरफ अपने जो कोएक्सल स्पीकर इंस्टॉल हुए थे। और यहाँ की तरफ आप देखोगे तो पंच की जो स्कप प्लेट होती है विदाउट लाइट वो इसके अंदर इंस्टॉल हुई, यानी कि स्टील वाली है। और ये एसएस की स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील होती है, इसके अंदर आपका जो है जंग का पार्ट कहीं ना कहीं नहीं रहता। अंदर की तरफ जो अपनी 70 मैट होते हैं 70 मैट भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। उसके नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे फ्लोरिंग का भी एक पार्ट था वो भी कंप्लीट कर दिया गया है। सो यहाँ पे जो आप देख पाओगे सीट कवर जो है वेलवेटी के साथ रहने वाला, यानी कि वेलवेट का कपड़ा है, तो काफ़ी सही लग रहा है दिखने में, एक्चुअल में काफ़ी सही लग रहा है। आई होप कैमरा भी आपको जो है जस्टिफाई करके काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहा हो। तो ये पूरा जो है अपना सेम एज इट इज़ जो कपड़ा इधर है वो पीछे की तरफ भी लगा है, तो पीछे की तरफ भाभी अपना बाबू जो है बैठा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी सही तरीके से इसकी क्वालिटी निकल करके आई है। जी भैया सोफा सेट का लुक दिया है, सोफा सेट का बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि आपके घर में सोफा होता है ना, सेम एज इट इज़ उसी कपड़े में इसको बनाया गया है। तो भैया फील है सोफा वाला? बिल्कुल सोफा वाला फील आ रहा है, गाड़ी बिल्कुल एक नंबर BMW की जैसे तैयार करवाई है भैया ने, हमारे बड़े भैया जो आवाज जी है ओके, जिनकी ये गाड़ी है। और ये भैया भी बहुत अच्छे जो वीडियो बना रहे हमारे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अभी आप जो काम हुआ इससे सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ है, जब तो हम जयपुर से यहाँ आए दिल्ली के अंदर काम करवाने। बिल्कुल यही एक अचीवमेंट थी जो कि भैया से हम मिले भी थे, भैया ने पहले ही बोला अगेन भैया से एंड में मिलेंगे, पहली बार आपको गाड़ी में जितना भी काम हुआ सारी चीज़ें पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो अपने OEM फिटमेंट के साथ स्टेरिंग है उसको यहाँ पे रैप किया गया है, तो आप यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है चेकआउट कर पाओगे, काफ़ी सही तरीके से निकल करके आई है। उसके बाद जो एम्बियंट लाइट का प्रोसेस है पूरी गाड़ी में कंप्लीट किया गया है। अब मैं एक बार अपने फ़ोन का जो फ्लैश है उसको ऑफ करता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो भाई एम्बियंट लाइट का जो प्रोसेस है अब आपको फाइनली काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, जो अपने दरवाजे हैं और जो डैशबोर्ड है काफ़ी सही काम किया गया। इवन यहाँ तक इसको अंदर की तरफ इसको काफ़ी अच्छे से प्रेस कर दिया गया जिससे कि आपका बाहर निकलेगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ तक इसके पार्ट को रख देते हैं, बट वो कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता रहता है, बट काफ़ी अच्छा प्रोसेस है और लाइटिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, इवन चारों दरवाजे पे और अपने डैशबोर्ड पे भी। उसके बाद एंड्रॉइड के ऊपर बात करो तो यहाँ पे अपना एंड्रॉइड जो है मेगासोनिक का इंस्टॉल हुआ है, 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी वाला, काफ़ी स्मूथनेस है इसके अंदर, कहीं पे भी आपका लैग नहीं करेगा। और इवन पीछे रियर में जो कैमरा इंस्टॉल हुआ था वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो सिंपली मैंने पीछे का गियर किया तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो बीप है बीप भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। और ब्लू पॉइंट के कैमरे की जो क्वालिटी है जो रेजोल्यूशन आप कमेंट करके बताना कैसा आ रहा है, और काफ़ी सही कैमरा होता है, इवन आपको जो क्लैरिटी है काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है। मूविंग कैमरा है तो जब आप अपनी कार को मूव करोगे, जब राउंड सर्कल में जैसे टर्न करोगे ना, तो ये आपका जो है यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है ये आपकी मूव भी करेगी। ये चीज़ें अपने पास बहुत पहले से अवेलेबल थी, आप चाहो तो इंस्टॉल करा सकते हो इजीली। सिंपली क्या होता है अगर आप इसको ऊपर से इंस्टॉल करो तो ऊपर से इजीली इंस्टॉल नहीं होता, इसके लिए जो सीट अभी आपकी जब ओपन होती है उस समय इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो काफ़ी सही फिटमेंट इसकी आ जाती है। और इवन आपको जो है हैंड ब्रेक भी इंगेज करने में किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली मैंने इसको करना है प्रेस और ये जो है आपका ओपन हो जाता है। इवन इसके पीछे आपको ग्लास होल्डर का भी एक पार्ट देखने मिल जाता है। और इसके अंदर टोटल 7 पोर्ट है जो कि आपको USB चार्जिंग के लिए देखने को इसके अंदर मिलते हैं। सो भाई जितनी चीज़ थी सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में अभी बता दिया, अभी वह चलते हैं ऑनर के पास और आपको सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल में भैया काम कैसा लगा और फाइनली वो कितने सेटिस्फाइड है। भाई फाइनली अपनी टाटा पंच बेस मॉडल जैसा ही मैंने आपको दिखाया, सारी चीज़ें उसके डन, बेस मॉडल भैया लेकर के आए हुए थे जयपुर से, तो एक बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए ऑटो रिक्शा के लिए कि इतनी दूर से भैया हमारी वीडियोस जो है उसको देख करके अपने पास आए काम कराने के लिए। तो पहले भैया भैया काम कैसा लगा था? काम बहुत बढ़िया, अच्छा लगा था, कुछ मज़ा आ गया, काफ़ी सही था। बेसिकली भैया बेस मॉडल लेकर के आए थे उसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो भैया का DIL का पार्ट था ना, ये मुझे पर्सनली बहुत यूनिक लगा, सारा जो क्रेडिट है भैया को जाता है कि इतना अच्छा उन्होंने एक आइडिया दिया। इवन हम आगे से ऐसा ही कुछ करने वाले हैं अपनी जितनी पंच आएगी। और भैया आप सेटिस्फाइड हो काम से? एक नंबर जेन्युइन पार्ट्स और बिल्कुल टाइम पे काम किया है। और भैया खाना पीने का भी बढ़िया ध्यान रखते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देता, खाने पीने आपके साथ कोऑपरेट किया गया पूरी तरीके से कोऑपरेट भाई। हाँ बोलिए, बिल्कुल कहा है जो हमें कई लोगों ने कहा करोल बाग में ऐसे बना देते हैं वो बना देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक नंबर काम जैसा कि हम लोग अपनी दिखाई वही चीज़ लगाई है इन्होंने प्रॉपर, ऐसे नहीं दिखाया क्या कुछ और लगा दिया हो,
बिल्कुल सही बात है। और एक दो आइटम तो फिर ही लगा दिए हमें, तो एक दो आइटम इन्होंने इनाम दिए है, समझ लो। आप भी आओगे आपको ही मिलेगा इनाम, किशन भाई आपको देने वाले। किशन भाई अपनी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? भैया से सबसे पहले तो थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा भैया से, मैं पूछूंगा भैया कहाँ से आए हो आप? राजस्थान जयपुर से आए हम। बताए मतलब कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 300 किलोमीटर आना और 300 जाना। अभी लगभग रात के 9 बज गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे, देखो 8:40 हो रहे निकलेंगे। ये सच में बड़ी नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 300 किलोमीटर से पर्टिकुलर बंदा आ रहा है किसी शॉप पे काम कराने और फिर 300 किलोमीटर जा रहा है। पर सोच के देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा एक चीज़ और, जब आप मेरे पास आए हो भैया तो सिर्फ क्या मेरे पास आने के लिए आप आए थे? भैया हमने तो पूरा करोल बाग में ही सोचा था, पर हमने सबसे पहले इनको कॉल करा और इनकी शॉप की लोकेशन मंगवाई और लोकेशन में सुबह 11 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। मैं बता देता हूँ, आप में से मैक्सिमम लोग उनकी वीडियोस भी देखते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, नाम नहीं लूँगा, पर उनकी वीडियोस भी देखते होंगे। भैया का बार बार उनके पास कॉल आ रहा था कि भैया कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। भैया ने कहा आपके पास, मेरे पास मतलब आने के बाद उनके पास जाने वाले थे कोटेशन लेने के लिए। इन्होंने लिया और काम कराना शुरू कर दिया, जो भी इनका बजट था, जिस भी रेट में, जो बेस्ट मतलब इनको रेट बोली उसमें कर दिया। और जो पार्ट्स इनको नहीं मिले ना, इन्होंने एडजस्ट कराया बाहर जा जाके 2-3 घंटे पर लगा के दिए। ये चीज नहीं मिली थी, ये जो क्रोम है ना पार्ट है, ये क्रोम मॉडल में आता है, फ्रंट ग्रिल सामने की जो होता है वो बम्पर, ये मिली नहीं थी पूरे करोल बाग में। अब ये पता नहीं कहाँ से लाकर इन्होंने लगवाई दी। लगाना तो मुश्किल था, लगाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए पूरा बम्पर खुलता है, सामने आपके हुआ है। हाँ, वो सारी चीजें पूरा एक्यूरेट, पूरा एक टू जेड काम है आपके सामने है। क्या सच में एक्यूरेट हुआ है सारी चीजें? बिल्कुल एक नंबर काम हुआ है। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पहले तो काम के ऊपर आता हूँ, कहीं कभी काम में कोई 1% की कमी नहीं, नहीं कोई भी 1% जो आप हमारी ऑडियंस को? नहीं 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 बिल्कुल बढ़िया है। आप यहाँ आओ, बहुत मजा आया, भैया का व्यवहार, भैया का काम, साथ में भैया का चैनल सब्सक्राइब करो। ये भी बहुत ओरिजिनल बात बोलते हैं, ये कोई घोड़ा चढ़ा के, ये भैया इनको कोई पैसे ऐसे नहीं देते, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, बेस्ट है। मजा आ गया भैया, हमारे भाई साहब ही हैं, पैसे की तो कोई बात नहीं, मिलेंगे भैया से हमारे। एक चीज और पूछूंगा, प्राइसिंग सच में एक्यूरेट सारी ठीक ठाक प्राइस? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बढ़िया प्राइस, बहुत बढ़िया प्राइस है आपका। जो बजट था अभी मैं देख पा रहा हूँ ऐसे तो, मतलब कि भैया का बजट इससे ऊपर था ही नहीं भैया, मतलब एक कहते हैं ना कसम खाने वाली बात, मैंने कसम खा ली थी, उसी में डैम्पिंग और बाकी सारी चीज भी करानी है। अब ये ऐसी प्राइस है, मैंने इनको ऐसी प्राइस पे, आप भी नहीं मानोगे, ये 70-80 हज़ार का काम है, इन्होंने मात्र मुझे 45,000 रुपये में कराया। भाई प्राइसिंग में डिस्क्लोज कर दो, साफ बता रहा हूँ, ये 70-80 हज़ार का काम 45,000 रुपए में करा है। अब कैसे करा है, क्या करा है, मार्केट में बवाल हो जाएगा, बढ़िया करा, मजा आ गया, सुन के बवाल हो जाएगा। भैया को जो है मजा आ गया, भैया काफी दूर से आए हैं, भैया को जरूर सब्सक्राइबर करें और मजा आ गया, पूरा स्टाफ एक नंबर है। भाई अगर आपको भी आना हो, आप भी इजीली विजिट करो, काफी अच्छी तरीके से आपका काम हो जाएगा। आप आइए, एक नंबर काम करा के जाइए। हमारे मिश्रा जी के लिए बता देता हूँ, रात को 3-3, 4-4, 5-5 बज जाते हैं कई बार, बहुत मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल। थैंक यू भाई, इस टाइम पे लाइफ में बहुत सारी चीजें चलने के बाद भी ना, ये जो चेहरा है मतलब बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और जितने YouTube फैमिली उनके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और मैक्सिमम व्यूज़ लेके आइए, आपकी जिम्मेदारी है बस, मैंने सोच लिया। बिल्कुल, तो थैंक यू किशन भाई इतना कुछ बोलने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको भी प्लान बने, आप इजीली विजिट करो, आपका काम काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टर ब्लॉग्स, हैव अ नाइस।